ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ 32 साल के कलयुगी बाप ने अपनी ही 10 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। घटना 12 अगस्त की है। बच्ची की माँ किसी काम से घर के बाहर गई थी और उसकी बड़ी बेटी अपने स्कूल। घर पर 10 साल की बच्ची और उसका बाप अकेले थे, लेकिन उसकी माँ को क्या पता था कि तेरे जाते ही तेरी बच्ची अपने ही बाप की दरिंदगी का शिकार हो जाएगी। आरोपी पिता दरिंदगी को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद बच्ची की माँ ने पुलिस को शिकायत की और बीती रात पुलिस ने पास के गांव से आरोपी बाप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक है। बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत पर काबू पाया जा रहा है। घर में हुई इस दरिंदगी से दूसरी बच्ची के मन में भी डर का माहौल है, लेकिन जब अपने ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगे तो समाज के लिए ये सोचने का विषय जरूर है। जब मैं स्कूल गई थी तो मेरे को जब मैं घर आई तो मतलब कि हमें पड़ोसियों से पता लगा कि मेरी बहन के साथ गलत काम हुआ है। किसने किया था, कौन थे? वो हमारे पापा थे और हमारी बहन के साथ उन्होंने गलत किया। दिल्ली दर्पण के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर